नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि पितृ पक्ष में ऐसा क्या करें कि अपने को पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिले। फिर मैं आपसे एक बार यही कहना चाहता हूं कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी आपको ग्रहों के संबंधी प्रॉब्लम हो या कोई वास्तु दोष संबंधी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9602998489। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज चलते हैं अपन पितृ पक्ष में ऐसा क्या करें कि अपने को पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिले और कुंडली के अंदर जो पितृ दोष हैं वो भी अपने को नहीं रहे और जो घर के अंदर पितृ दोष हैं वो भी अपने को नहीं लगे और पूर्ण पितरों का अपने को आशीर्वाद मिले। पितृ पक्ष कब से शुरू होता है? पितृ पक्ष शुरू होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक। ये होता है पितृ पक्ष। तो पितृ पक्ष के अंदर सर्वप्रथम अपने को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस तिथि को अपने पूर्वजों की जो डेथ हुई है, जो अपने पूर्वजों की मृत्यु हुई है, जो उस तिथि, वही तिथि श्राद्ध पक्ष में कहलाएगी। कि जैसे किसी की तृतीया को हुई है, किसी को चतुर्थी की हुई है, तो वही तिथि अपने को श्राद्ध पक्ष में काम आएगी और उसी तिथि को याद रख करके उनको तर्पण करना है, उनके प्रति दान वगैरह करना है। सर्वप्रथम ये बात। सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो भी श्राद्ध, श्राद्ध क्या होता है? जो भी श्रद्धा से किया हुआ कार्य, जो भी अपन श्रद्धा से करते हैं कि नहीं अपन पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है तो जो किया हुआ भी है वो ना के बराबर है और अपने को पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। दूसरी बात कि अपने को जब श्राद्ध पक्ष हो उसमें कोई भी या तो नए वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, केवल और केवल पितरों के प्रति ही सब कुछ करना चाहिए, दान पुण्य वगैरह ये सब अपने को करना चाहिए। और जिस समय अपन, तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जिस समय अपन भोजन करते हैं, जिस समय अपन भोजन करते हैं, पितरों को भोग वगैरह लगाते हैं, उसमें आपको तुलसी दल का प्रयोग करना है। इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके लिए आगे मार्ग प्रशस्त होते हैं, बोले उनके लिए आगे मार्ग खुलते हैं और वो अपने को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमेशा भोजन में तुलसी पत्र होना जरूरी है श्राद्ध पक्ष के अंदर, जो भी अपन करते हैं। और ब्राह्मण को भी जब भोजन दें तो कहने का समय अपने को उत्तम हुआ और श्रद्धा से अपने को ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा करवा रहे चल रहा है चल रहा है, नहीं, श्रद्धा पूर्वक करें, उसका मान सम्मान करें, आदर करें ताकि अपने पितरों को उसका फल मिले। फिर इसके बाद अपन चलते हैं कि ऐसा क्या करें कि अपने को पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिले। पितृ पक्ष के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो तुलसी में पानी डालें, पीपल के पेड़ में पानी डालें। पीपल के पेड़ में भी पानी डालने से अपने पितरों को तृप्ति मिलती है और हो सके तो एक पीपल के पेड़ के आगे आप एक दीपक जला सकते हैं। दीपक जला करके भी आप कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस समय आपको पितृ संबंधी कोई भी, यदि आपको कुंडली दोष भी है पितृ के अंदर, बोले तो आप कुंडली के अंदर भी आपको पितृ दोष है या फिर आपके घर के अंदर पितृ दोष है, क्योंकि पितृ दोष की वजह से घर में कई समस्याएं होती है, हजार प्रकार के समस्या। जैसे तंत्र से समस्या आती है वैसे पितरों से भी समस्या आती है। तो कहने का मतलब अपने को इस श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष के अंदर पितृश्वर को तर्पण करके, अर्पण करके सब कुछ कार्य संपन्न करना है और अपने को पितरों का पूर्ण आशीर्वाद लेना है। यही मैं कहूंगा आपको। और आपको कोई भी सलाह हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि पंडित जी कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। और इस समय श्राद्ध पक्ष के अंदर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी करता है उसको भी दोष लगेगा और उसकी सात पीढ़ी को दोष लगेगा सर्वप्रथम। और उसके बाद अपने को हो सके पिलिंग वगैरह पर नहीं सोना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए पितृ पक्ष के अंदर। और सर्वप्रथम एक और आपको बात बता देता हूं कि इस पितृ पक्ष के अंदर अपने को नहाते समय कभी भी साबुन नहीं लगाना चाहिए, साबुन और तेल वगैरह ये सब नहीं लगाना चाहिए। जो शास्त्र है ये प्रमाण है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में बात कही हुई है वही आज मैं आपको बता रहा हूं। और उसी तरीके से आपको जो है पितरों को प्रसन्न करना है। और भी है आप मेरे पास तरीके पितरों को प्रसन्न करने के, और भी उपाय हैं शास्त्रों के अनुसार, मैं आपको उपाय हमेशा बताता रहूंगा।
और आप जो भी कार्य हो उससे के लिए मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपको मन में संशय है, मन में संशय बिल्कुल भी नहीं रखना है कि गुरुदेव हमें अपने पितरों की तिथि याद नहीं है। यदि आपको पितरों की तिथि याद नहीं है तो आपको उनके नाम से अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जिनको तिथि याद नहीं है वो अमावस्या के दिन कर सकते हैं, उनको भी पूर्ण पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहने का मतलब पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो भगवान से भी ज्यादा होता है, क्योंकि पितरों ने ही अपने को ये जन्म दिया है, पितरों ने ही पूरा संसार बताया है। तो कहने का मतलब शास्त्रों के अंदर पितरों को भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो इसलिए भगवान से जिनको ऊपर माना गया है उनका अपने को पूर्ण पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेना है। इस पितृपक्ष में जैसा मैं आपको कहूं वैसा ही आपको करना है। इसी के साथ ही मैं आपको एक बार फिर मेरा वापस मोबाइल नंबर दे रहा हूं, 9602998489। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस पितृपक्ष के अंदर अपने बच्चों को, अपने परिवार को पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिले, यही मनोकामना करता हूं मैं। इसी के साथ अपनी बोली को विश्राम करता हूं। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।